सोच रही हेल्दी आइसक्रीम, तो मैं इसमें एक सुपर फूड डालने वाली हूँ जो कि बहुत हेल्दी है, और वो है एवोकाडो। इससे जो आइसक्रीम बनती है वो बहुत ही क्रीमी बनेगी। बच्चे अगर आप ऐसे देंगे तो नहीं खाएंगे वो। इसमें क्योंकि कोई फ्लेवर नहीं होता है, इसको आप चाहे तो मीठा चाहे तो नमकीन किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको आइसक्रीम बना करके बच्चों को दूंगी तो वो खाएंगे भी और इंजॉय भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो दूध मैंने कढ़ाई में बॉईल होने के लिए रख दिया है, 4-5 मिनट हो गए इसे रखे हुए। ये देखिए थोड़ा सा ये उबाल आया था, तो इसको अभी थोड़ी देर तक मैं पकने दूंगी, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, ठीक हो जाए, तब तक हम एवोकाडो जो है उसको निकाल लेते हैं। तो एवोकाडो को काटना बहुत ही सिंपल है, साइड से आप सिर्फ। तो एवोकाडो को मैंने निकाल लिया है, स्कूप आउट कर लिया है उसमें से, और इसको अच्छे से मैश करना है। तो देखिए अभी ये क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका, तो अभी इसको साइड में रखते हैं, दूध देखते हैं। तो दूध में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है और 5 मिनट एक्चुअली हो गया है, तो थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है ये दूध, देखिए। तो अभी इसमें हम शक्कर डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए शक्कर, जितना आपको उतना मीठा चाहिए आपको, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर भी डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही शक्कर डाला है, मैंने 3 चम्मच शक्कर डाला है। तो इसको 2-3 मिनट और थोड़ा बॉईल होने देंगे अच्छे से, और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको अभी ठंडा होने देंगे। तो दूध बिल्कुल ठंडा हो गया है और देखिए गाढ़ा भी अच्छा हो गया है। तो इसमें थोड़ा मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, 3 चम्मच मिल्क पाउडर मैंने इसमें डाला, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें एवोकाडो जो हम लोगों ने मैश किया था वो डाल देंगे। इसको दूध के साथ अच्छे से मैश करिए, जो मिल्क पाउडर डाला है वो अच्छे से मैश हो जाना चाहिए, लम्स नहीं है, देखिए बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसको अभी हम जिसमें हमें आइसक्रीम जमाना है उसमें डालते हैं। आइसक्रीम जमाने के लिए मैंने एक ऐसा बॉक्स लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी आइसक्रीम का जो मिक्सचर बनाया मैंने। तो मैंने ये चिक्की ली है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े करके क्रश कर लूँगी इससे। तो ये देखिए ये क्रश हो गया चिक्की। तो इस बॉक्स में आधे साइड में मैं ये डालूँगी चिक्की, और आधे साइड में मैं ये चॉको चिप्स डाल रही हूँ। तो इससे हमारे 2 तरह की आइसक्रीम जमेगी। तो इसको मैं एल्युमिनियम फॉइल से रैप करूँगी और इसका ढक्कन लगा, और इसको मैं 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूँगी जमने के लिए आइसक्रीम। तो देखिए हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है जम के, तो चलिए इसको प्लेट में निकालते हैं। तो ये हमारी पीनट और एवोकाडो की आइसक्रीम बहुत अच्छी जम गई है ये, और अभी हम चॉको चिप्स वाली आइसक्रीम निकाल लेते हैं। तो इस पे मैं चॉको सिरप डाल रही हूँ थोड़ा सा चॉकलेट आइसक्रीम पे, और जो पीनट चिक्की वाली आइसक्रीम थी उस पे थोड़ा सा मैं स्ट्रॉबेरी सिरप डाल रही हूँ। तो देखिए दोनों कितनी यम्मी लग रही है। तो एक ही साथ हमारी 2 आइसक्रीम रेडी हो गई, 2 फ्लेवर की। तो बच्चे वेट कर रहे हैं आइसक्रीम का, तो चलिए देते हैं उनको। कौन सा चाहिए कैसा है? आप भी बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी है, एंजॉय करिए, बच्चों को घर की आइसक्रीम दीजिए और एवोकाडो के साथ में। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।
और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में।